रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया है। इसी के चलते उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो साझा किया है और देश से कहा है कि अयोध्या को चलिए सबसे स्वच्छ शहर बनाते हैं, और उन्होंने इसकी बकायदा अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के लोगों से प्रार्थना है कि मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थस्थलों पर जहां भी आप जाएं वहां स्वच्छता का अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंस्टा पे कहा कि मेरा अयोध्या के भाई बहनों से आप को देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, इसलिए अयोध्या वासियों को आज एक संकल्प लेना है कि रामनगरी को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे। ये स्वच्छ अयोध्या अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है। पीएम ने आगे ये भी कहा कि देशभर के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सभी तीर्थस्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर में सफाई का अभियान हमें 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना है। पीएम ने जोर देकर कहा कि प्रभु राम हम सबके हैं, भगवान राम जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर एक भी तीर्थ क्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दशक पुराना प्रण भी पूरा होगा। मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में रामलला की आंखों से पट्टी हटाने का काम करेंगे और उसके बाद पहला दर्शन वही करेंगे। इसके साथ ही 14 जनवरी 1992 को राम जन्मभूमि में रामलला के सामने ली गई उनकी भावपूर्ण प्रतिज्ञा साकार हो जाएगी। 11 दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से शुरू हुई भाजपा की एकता यात्रा 14 जनवरी 1992 को अयोध्या पहुंची थी। इस यात्रा में मुरली मनोहर जोशी के साथ आरएसएस के पूर्व प्रचारक और गुजरात भाजपा के महासचिव के रूप में तब नरेंद्र मोदी भी वहां आए थे। तब वो जन्मभूमि के दर्शन करने गए थे। इस दौरान उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अब मंदिर में विराजमान होने के बाद ही दर्शन करने आएंगे, और इस तरह से अब वो प्रतिज्ञा भी पूरी होने वाली है। तो आप सब लोग बोलिए जय श्री राम, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर सनातन के पास ये वीडियो पहुंचे। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़24। नमस्कार।